राज्य में आयोजित 11वीं जेपीएससी क्वेश्चन पेपर लीक होने के मामले को लेकर आज राज्य की प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी सरकार पर पूरी तरह से हावी हो रही है। पार्टी की युवा मोर्चा की ओर से आज इस मामले के विरोध में रांची के हरमू चौक के समीप राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम हो गई है। सरकार की ओर से आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र खुलेआम लीक किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने से लाखों युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। देखिए, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन अब झारखंड पब्लिक स्कैम कमीशन बन चुका है। लगातार इस प्रदेश में युवाओं से ठगी हो रही है। जिस प्रकार से लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, कोचिंग जाते हैं, उसके बाद एग्जाम सेंटर के एग्जाम परीक्षा फॉर्म भरते हैं और फिर एग्जाम देने आते हैं, लेकिन यह सरकार जब से 4.5 साल आई है तब से रोजगार का बुरा हाल हो गया है। आपने पूर्व में भी देखा होगा कि GSSC में किस प्रकार से परीक्षा पत्र बेचे जाते हैं। 25 लाख 30 लाख रुपए युवाओं के भविष्य की बोली लगाई जाती है। लेकिन आज JPSC की परीक्षा थी, हमने पूर्व में सरकार को आगाह किया था कि स्टूडेंट अपसेट है, JPSC सेट है, लेकिन सरकार ने नहीं माना। सरकार ने आपाधापी में परीक्षा ली और इसका नतीजा है आज पूरे प्रदेश से वीडियोज आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं कि परीक्षा जिस प्रकार से इंटर के परीक्षा से भी बदतर स्थिति यहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर किसी ने बनाया है तो JMM कांग्रेस की सरकार ने बनाया है। इसलिए आज हम लोग विरोध करते हैं और जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य को लगातार ठगने का काम ये सर चंपई सोरेन सरकार कर रही है, इसका अंजाम हम लोगों ने देखा है कि पहला 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा हेमंत जी का वह सलाखों के पीछे है। ये 6 महीना का समय है, चंपई जी समझ जाए, ये तो पेपर लीक का एक एक लड़ाई युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लड़ेंगे सड़क पर और इस प्रदेश के युवाओं को हक न्याय की आवाज़ अगर कोई बनने का काम करेगा तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बनेंगे। आने वाले समय में यह आंदोलन और भीषण होगा, युवा सड़क पर दिखेंगे, युवा न्याय मांगेंगे और एक एक लोगों का न्याय देना पड़ेगा। चंपई जी, जो JPSC का आपने हाल बना के रखा है इस प्रदेश में, उसको ये प्रदेश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा।